Hello everyone, how are you all? Okay, so I wanted to share a good news with you that in the month of December there is a wedding and date jo hai finalize ho jayegi. Most probably it will be on 14th of December or 15th of December. So currently I stay in Maharashtra, Mumbai, but very soon I have to visit to my hometown because I belong from उत्तर प्रदेश यूपी गोरखपुर. सो ऑब्वियसली शादी भी वहीं होगी और मुझे वहां जाना पड़ेगा टू अटेंड द मैरिज. नॉट जाना पड़ेगा, मैं तो खुशी खुशी जाना चाहती हूँ ऑब्वियसली. सो मैंने सोचा कि इट्स अ मंथ ऑफ नवंबर नाउ, या सो मैंने सोचा कि अब जितना भी टाइम बचा है, जितना भी मैं कर सकूं उतना अपने ऊपर ध्यान दूं ताकि मैं वेडिंग डे में ऑब्वियसली आई कैन नॉट बीट द ब्राइड, बट एटलीस्ट मैं वेल ग्रूम्ड लगूं, दूल्हे की बहन तो लगूं, बिकॉज आई एम द ओनली सिस्टर ऑफ माय टू ब्रदर्स. सो मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है एंड दिस विल बी द लास्ट मैरिज ऑफ माय यू नो इन माय होम. सो मैंने सोचा कि कहाँ से शुरू करें. मैंने अपने स्किन ट्रीटमेंट आई एम ट्राइंग टू स्टिक मोस्टली ऑन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक क्या किचन बेस्ड प्रोडक्ट्स, ताकि थोड़े से अपने स्किन को अच्छा कर लूँ, यू नो ग्लोई कर लूँ, नहीं ग्लोई तो एटलीस्ट दिखने लायक हो. सो वॉज प्लानिंग टू डू समथिंग विथ माई हेयर्स बिकॉज आई नो दैट इफ माई हेयर लुक हेयर विल बी मेंटेन, इट विल हेल्प मी टू लुक मोर ग्रूम्ड. सो मैंने पहले भी दो बार स्मूदनिंग कराई हुई है. सो मुझे फिर से यही लग रहा है कि स्मूदनिंग कराना सेफ ऑप्शन होगा और बेस्ट ऑप्शन होगा एटलीस्ट मेरे लिए, बिकॉज जब मेरी शादी थी यस 6 साल पहले, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, फ्रेंड से बात किया, काफ़ी कुछ यू नो डिस्कस किया और फिर डर डर के हिम्मत करके मैंने बोला चलो अब डिसाइड कर लिया है, ये खुराफाती कीड़ा दिमाग में घुस गया तो कर ही लेते हैं. सो मैंने स्मूदिंग कराई थी और सॉचकॉफ ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ किया था एंड टेल यू गाइज आई वॉज इन लव विद दैट. यू नो उसके बाद जो मेरे हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ओ हो हो, मतलब मुझे कुछ नहीं करना होता था. आई जस्ट यू नो आई हैज़ टू वेक अप एंड आई हैज़ टू वॉश माई हेयर्स एंड समटाइम इफ आई मीन ऑब्वियसली जब आप ससुराल आ जाते हो तो बहुत सारे काम होते हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता है खुद के ऊपर फोकस करने का, एंड दैट वॉज माई सेवियर. द स्मूदनिंग टर्न्स आउट टू बी सेवियर फॉर मी बिकॉज मैं सिर्फ उठती फटाक से यू नो चेंज करती और काम पे लग जाती, और बट इन सब में भी कहीं ना कहीं मैं वेल यू नो ग्रूम लगती बिकॉज मेरे बाल अपने आप फिर से यू नो काफ़ी हेल्दी शाइनी स्मूदी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता था. सो 2 साल तक तो ऑब्वियसली मेरे बाल बहुत अच्छे रहे, और 2 साल इसीलिए रहे क्योंकि मैंने उसके बाद अपने बालों का जो केयर होता है आफ्टर केयर वो बहुत किया था, और 2 ईयर्स तक मेरे बाल काफ़ी 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 अच्छे रहे, काफ़ी ग्रो हो गए थे, काफ़ी लंबे हो गए थे कि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था. बट स्टिल 2 साल बाद मेरे बड़े भाई का, बड़े भाई एज इन आई एम द एल्डेस्ट वन, बट एज आई सेड दैट आई हैव टू ब्रदर्स, सो जो फर्स्ट ब्रदर है उसकी शादी फिक्स हुई एंड दैट वॉज द टाइम अगेन फॉर मी बिकॉज आई वॉज रियली इन लव विथ माई हेयर्स, द स्मूदनिंग ट्रीटेड हेयर्स. तो मैंने बोला इस बार फिर से स्मूदनिंग करूंगी बॉस, और मैंने किया. बट इस बार ये गड़बड़ हो गई कि मैंने लॉरेल प्रोडक्ट किया, जबकि मुझे पता था सी हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का यू नो सूटेबल जो आपकी आपकी बॉडी किसी प्रोडक्ट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है सबका अलग होता है. मुझे पता था कहीं ना कहीं कि लॉरेल प्रोडक्ट जो है, आई एम नॉट डिफेमिंग दैट ब्रांड, बट येस लॉरेल प्रोडक्ट डजेंट सूट मी. सो मैं उसका शैम्पू यूज़ कर लूँ या यू नो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ, उसका हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही आया हुआ है. बट समवेयर आई वॉज लिटिल बिट लकी क्योंकि कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, बट जो रिजल्ट आया था जब मैंने स्मूदनिंग कराई लॉरेल ब्रांड का, इट वॉज नॉट दैट ग्रेट. उसका उतना शाइन नहीं आया था, आई वॉज नॉट इन लव विद दैट स्मूदन हेयर. बट येस ऑब्वियसली वो मैनेजेबल तो थे, बस थोड़ा सा जो नेगेटिव या ड्रॉबैक मुझे दिखा वॉज कि थोड़े से ना बाल 2 मंथ्स के बाद थोड़े से ड्राई हो गए थे, काफ़ी यू नो नॉट मेसी बट इट वॉज नॉट स्मूद इनफ एंड आई वॉज नॉट लाइकिंग टू ओपन इट अप. सो मैं हमेशा उसे बांध के रखने लग गई, और मुझे लगा यार पैसे वेस्ट हो गए और मैं आफ्टर केयर भी कर रही हूँ, जब जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था. सॉचकॉफ के टाइम इट वॉज ब्यूटिफुल आई टेल यू. फिर मैंने बोला यार अब तो यू नो मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो लेट्स कट डाउन दी हेयर. सो मैंने बाल काफ़ी छोटे कर दिए. आई डू नॉट नो इफ आई हैव द फोटो विथ मी ऑफ माई शॉर्ट हेयर, आई पुट इट समवेयर.
in the description box, or maybe I'll post it. I'll paste the photo somewhere here. So this was the story, and then Bala. किसी तरह इतने लंबे हुए हैं क्योंकि बाल मैंने कम से कम इतने कर दिए थे एंड आई वाज लकी इनफ, मुझे सपोर्ट किया था मेरी फैमिली ने कि भाई काट दे, नहीं मैनेज हो रहा है क्योंकि कोविड भी आ रखा था, हम वैसे स्ट्रेस में थे, बहुत कुछ हो रहा था आसपास. तो 2 साल में मेरे बाल फिलहाल इतने बड़े हैं. सो अब एज आई सेड, भाई की शादी है और लास्ट शादी है. सो मैंने सोचा यार अच्छा वक्त है, एक बार फिर से स्मूथनिंग कर ही लूँ. बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से वही फर्स्ट ब्रांड सॉचकॉफ के ब्रांड का ही इस्तेमाल करूँ टू गो फॉर द स्मूथनिंग. अदरवाइज लेट्स सी, देखते हैं. तो मुझे बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स वेदर आई शुड गो विद इट और नॉट. पहले तो मैं अभी सोच, आज तो फिलहाल टाइम नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 4:30 समवेयर अराउंड इवनिंग. सो अभी मुझे जाना है इस्कॉन टेम्पल बिकॉज मैंने कुछ दिन से कुछ पॉजिटिव चीज़ें यू नो डिसिप्लिन में लाने की कोशिश की है कि एटलीस्ट एक टाइम तो मैं इस्कॉन टेम्पल जाऊँ और वहाँ का भगवद्गीता या प्रेयर अटेंड करूँ. सो 7 o'clock का प्रेयर होता है. सो आई विल बी लीविंग माई हाउस एट 6 o'clock. सो आज तो टाइम नहीं है बट टुमारो मोस्ट प्रोबेबली आई माइट गो एंड नो डिस्कस विद द पीपल और द स्पेशलिस्ट टू यू नो कि मुझे कब करना है, कैसे करना है. बट डोंट वरी, मैं पूरा वीडियो शूट करूँगी कि किस तरह से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ. ओके, तब तक के लिए बने रहिए, वेट करते रहिए, वेट कीजिएगा मेरे अगले पोस्ट का, अगले ब्लॉग का. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू.